नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस चुनाव में राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बम्पर जीत पक्की लग रही है। इस बार देखना ये होगा क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करेगा। जाहिर तौर पर विपक्ष खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी मतभेद है, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना पूरी है। वहीं आपको बता दें कि दोनों सदनों में 36 सांसदों के साथ संसद में कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अगर कोई है तो वह है तृणमूल कांग्रेस। हालांकि ये गौर करने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहने की बात कही है। वहीं टीएमसी का कहना है कि अलवा के नाम के ऐलान से पहले सहमति बनने का प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पार्टी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी, AIMIM और JMM ने अलवा को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि BSP और TDP ने धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं JMM ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया था, लेकिन इस बार वह विपक्ष की अलवा को अपना समर्थन दे रही है। वहीं YSRCP और BJD दोनों ने 52 वोटों के साथ धनखड़ को समर्थन देने की बात कही है। दोनों पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार मुर्मू को ही अपना समर्थन दिया था। वहीं बात करें 80 वर्षीय अलवा कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं और वह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। वहीं धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वह राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनका बैकग्राउंड समाजवादी रहा है। संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।